जब आपको खांसी आ रही है, बार बार खांसी आ रही है और आपके चेस्ट में ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन हुआ है जिसके वजह से आपको खांसी आ रही है, आपको सर्द हुई है और आपको ऐसा चेस्ट में लग रहा है कि कुछ जमा हुआ है या आपके फेफड़े में ऐसा लग रहा है कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो डॉक्टर आपको कौन सी मेडिसिन लिखता है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे आपको हिंदी में। अगर आप मेडिसिन की जानकारी हिंदी में रखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले अजीब 500 टैबलेट के बारे में। इसे मैन्युफैक्चर करता है सिप्ला फार्मा। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है अजीब 500, इसमें हम मोनली तीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इसमें कंटेंट क्या है और वो कंटेंट कैसे वर्क करता है और कंटेंट की और इस टैबलेट की प्राइस क्या है। लास्ट में देखेंगे यूजेस और इसके साइड इफेक्ट। तो दोस्तों इसमें जो कंटेंट है वो अजिथ्रोमाइसिन 500 है। दोस्तों बट अजिथ्रोमाइसिन 500 बिलोंग करता है एंटीबायोटिक ग्रुप से। तब ये कार्य कैसे करता है, ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया को जो प्रोटीन चाहिए उसे अपने जीवित रहने के लिए और आगे चलने के लिए, ये उसी सिंथेसिस को ये अजिथ्रोमाइसिन नहीं होने देता है और बैक्टीरिया मर जाती है। तो दोस्तों इस तरह से एक अजिथ्रोमाइसिन काम करता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस टैबलेट की प्राइस की। तो इसकी प्राइस है 71 रुपीज फॉर 3 टैबलेट कंप्लीट डोज फॉर 3 डेज। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इसके यूजेस के बारे में। तो दोस्तों यह आपको उस समय यूज करना, डॉक्टर आपको उसी समय प्रेस्क्राइब करता है जब आपके चेस्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे आपको सर्दी और खांसी आपको बार बार आ रही है या आपके ईयर नोज में कहीं इन्फेक्शन है या आपको पिंपल्स हुए हैं, तब ये डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है। तो आपको इसको कंप्लीट डोज पूरा करना, अगर आप बीच में गैप में देते हैं तो ये आपको बैक्टीरिया वापस से ग्रोथ हो सकता है। तो इसे आपको 3 दिन का डोज है, 3 दिन में आप प्लीज़ इसे कंप्लीट कीजिएगा। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट देखते हैं। तो इसमें जो साइड इफेक्ट है, आपको थोड़ा सा उल्टी जैसा महसूस होगा या आपको उल्टी आ सकती है और आपको डायरिया, बाथरूम पतले जो संडास होते हैं वो पतले हो सकते हैं, तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं। दोस्तों ये टेम्परेरी रहते हैं और ये 1-2 दिन में चले जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और भी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं बिलो एंटीबायोटिक से, तो आप राइट हैंड साइड में जो प्ले लिस्ट से प्ले करके देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।